सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चंस मतलब कि टॉपिक जो हमने किया था वो हमारे पास थे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, याद है सबको? जो हमारे पास धातु होते हैं ठीक, उसके हमने गुण पढ़े थे। आज हम बात करते हैं जो मेरे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल है ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि अधातु के गुणधर्म बोलते हैं, फिर अधातु के गुण बोलते हैं ठीक। सुनो सबसे पहले ना भाई, देखो हमें जो लास्ट क्लास का है वो बातें पता होनी चाहिए कि जो मेटल है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। सबसे पहले चीज़, जो मेटल है, जो धातु है, पहला पॉइंट देखो, जो मेटल आर मेलेबल, मेटल क्या होते हैं? मेलेबल होते हैं। मेलेबल का मतलब क्या है? हम उसको हथौड़े से पीट पीट के एक पतली सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है। उसके बाद अगला मेरे पास है भाई, मेटल आर डक्टाइल, इसका मतलब है कि मेटल को, धातु को हम खींच के लंबी तार में बदल सकते हैं ठीक। नेक्स्ट मेरे पास है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसका मतलब जो मेटल है, मेटल के अंदर ना भाई हीट बहुत ही जल्दी पास होती है। मान के चलो मेरे पास ठीक है एक ना स्टील की स्केल है, अगर मैं इसको यहाँ से गर्म करता हूँ ना तो हीट धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच जाती है, बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसको यहाँ से गर्म करूँगा तो मेरे पास धीरे धीरे यहाँ पहुँच जाती है, बात समझ में आ रही है? हाँ भाई कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे कभी ट्राई मारना अगर कर सकते हो तो कोई सी ना छोटी सी ले लेना, उसको यहाँ से गर्म करना तो धीरे धीरे अपने आप पहुँच जाती है। भाई मैंने उस दिन मैगी वाला एग्जाम्पल दिया था लास्ट क्लास में। नेक्स्ट है मेरे पास मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भाई सबसे अच्छा तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कोई सी भी जो लोहे की तार होती है ना उसमें एक साइड से करंट लगाओ दूसरे साइड अपने आप करंट आता है ठीक है, ये बात पता है सबको? तो जो जितने भी मेटल होते हैं वो सारे के सारे मेरे गुड कंडक्टर होते हैं भाई। कभी ट्राई मत करना कि तुम चिमटे से वो पता कि पकड़ के ऐसे तार को ऐसे करने की सोच रहे हो मोड़ने की ठीक है। और दूसरी बात बताऊँ, जो पेंसिल वगैरह होती है ना ठीक है, तो अगर पेंसिल के अंदर जो लेड होती है, समझ रहे हो लेड, तो मेटल है वो भी मेटल है। उसको तुम अगर प्लग के अंदर डालते हो और पीछे से छिली हुई है पेंसिल तो बहुत तेज नाचोगे, समझ में आई बात? तो कभी ट्राई मत करना। फिर और एक बात और होती है, प्लास वगैरह होते हैं ना ठीक है, अगर प्लास के ऊपर से प्लास्टिक हटी हुई है ठीक है, अगर प्लास के ऊपर से प्लास्टिक हटी है तो तुम तार पकड़ के घुमाना मत शुरू कर देना ठीक है, वरना वो आधा किलो वजन तुरंत कम होगा तुम्हारा। सुनो भाई, अच्छा किसी को ये पता लग रहा है कि हाँ पूछना है कुछ? सुनो भाई, किसी को एक बात पता लगती है कि हमारे पास जो आयन्स होते हैं दो तरीके से होते हैं। हाँ भाई आयन्स पता है, एक पॉजिटिव आयन्स नेगेटिव आयन्स होते हैं ठीक। तो उसी तरीके से ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बात समझ आ रही है? इलेक्ट्रॉन्स भी दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे मेरे पास क्या होते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? इसको थोड़ा याद रख के चलना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तुम्हारे जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना उसका बहुत ही अच्छा पार्ट है ठीक। बस एक हल्की सी बात बता रहा हूँ, जो भी तुम्हारे कोई सी चीज़ होती है ना ठीक है, जिसमें बिजली ये मान लो कंडक्ट हो सकती है, जिसमें बिजली दौड़ सकती है, या फिर कोई सी भी नॉर्मल सी चीज़ है भाई, उन सब के अंदर हमारे पास क्या है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है। इन बातों को याद रख के चलना। सुनो मैंने कहा था मेटल आर लस्टर होते हैं, जिसको हम साइनी बोलते हैं भाई, जितने मेटल हैं ज़्यादातर साइनी होते हैं ठीक। ऐसा किसी के मन में ये वाले सवाल आते हैं, अगर मेटल साइनी है तो कुछ कुछ मेटल चमकते नहीं है, जैसे जंग लगी हुई कील, बातें तो लग रही है? जो जंग लगी हुई कील होती है वो क्या है मेरे पास? मेटल तो है लेकिन उसमें चमक नहीं है, क्यों भाई? सुनो, कोई सा भी मेटल अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, मतलब कि खुली हवा में अगर वो आ जाता है ठीक है, तो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, कौन सी लेयर चढ़ती है भाई? ऑक्साइड की, बातें तो लग रही है? क्या बोल रहा हूँ? कोई सा भी मेटल है ठीक है, अगर हम उसको खुली हवा में लेके आते हैं तो उसके ऊपर एक पतली सी लेयर आ जाती है, एक परत आ जाती है, हम उसको बोलते हैं ऑक्साइड की लेयर। जैसे मान लो कि अगर जैसे लड़कियाँ ज़्यादातर सोना पहनती है, अमीर तो लड़के हैं फिलहाल ठीक है, तो अच्छा तो अमीर दिखा रहा है। सुनो मैंने क्या बोला भाई, जैसे मान लो जो सोने की चीज़ें होती हैं ना तो उसको पहन के निकलते हैं ज़्यादातर। अच्छा पता, लेडीज़ जो है अपने सोने को तुरंत पहन के तुरंत अंदर रख देती है संभाल के, देखा होगा? वो पता क्यों रखती है? वो चोरी की वजह नहीं होती, ज़्यादा पहनती हो काली पड़ जाती है ठीक है, बात समझ आ रही है? जब बहुत देर तक वो ऑक्सीजन में रहेगी ना, अच्छा ऐसा नहीं कि तुरंत बाहर निकाला पड़ गई काली, ऐसा नहीं होता,
ठीक है, उसको जब बहुत दिन तक रखा जाता तो होता है, ठीक है। तो होता ऐसा है कि अगर तुम कभी भी किसी मेटल को, क्या हुआ सुनो, अगर तुम किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाते हो, ठीक है, ऑक्सीजन के संपर्क में लेके आते हो, तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है, उसे क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, ऑक्साइड की परत बोलते हैं, बोल दे करो थोड़ा सा, सुनो। उसके बाद मेरे पास है मेटल आर जनरली हार्ड, भाई मैंने क्या बोला, मेटल जो है वो ज़्यादातर हार्ड होते हैं। हार्ड का मतलब पता क्या होता है, एक सॉफ्ट चीज़ें होती हैं, दूसरी होती है हार्ड चीज़ें, ठीक है। तो मान लो कि जैसे रुई है वो सॉफ्ट है, ठीक है, जो रुई मेरे पास क्या भाई, सॉफ्ट है, और मेटल क्या है मेरे पे, हार्ड है, ठीक है। सुनो नेक्स्ट, अच्छा भाई एक मेरे पास एक मेटल है उसको छोड़ के, मैंने क्या बोला मेटल जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन एक मेटल को छोड़ के, रितिका नाम क्या उस मेटल का, हाँ भाई मेगा, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्वेश्चन ये है कि मेटल आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट वन मेटल, एक मेटल को छोड़ के बाकी सारे मेटल हार्ड होते हैं, क्या नाम है उस मेटल का, गोल्ड, अभी रुक जा, तुम बताओगे भाई, मर्क्यूरी, अरे कुछ भी मत बोला जाओ भाई, तुम बोलना चाहोगे कुछ, मैं नहीं बोलना चाहूंगी, हाँ भाई विक्रम, मर्क्यूरी होगा, अभी रुक जाओ, तो क्या मत बैठा बैठे बैठे खींच के मारूंगा भाई, सोडियम होता, ठीक है, सुनो वैसे पोटेशियम भी है, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम है, सुन जाओ। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है भाई जो मेटल होते हैं, सुन जाओ जो मेटल है, मेटल आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, अगली बात करते थे मैंने, जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, भाई किस किस को छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के हमारे पास जो जितने मेटल होते हैं वो सारे सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। फिर भाई नेक्स्ट मेरे पास है मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो मेटल है वो कमरे के तापमान पे, जो धातु है वो कमरे के तापमान पे सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, बात समझ आ रही है, हाँ भाई सबू, कौन सा मेटल ऐसा है विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, हाँ द्रव की अवस्था में कौन से होते हैं, मर्क्यूरी, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा तेज बोला कर, चुप हो जाओ चुप हो जाओ, सुनो भाई सुन जाओ। नेक्स्ट हमारे पास है मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, भाई सुनो मैं तुम्हें ना वो लिस्ट लिखवा दी थी कि मेटल का मतलब कि जो हमारे पास जितने मेटल हैं वो उसको कितना ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करें कि वो हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा, पता है कितना, इंसान को बुखार कितने पे आता है, 100 पे 101 102 103, ठीक है, इतने पे आता है, तगड़ा बुखार आता है, ठीक। तो अगर मैं बोल दूँ 1535 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम किसी मेटल को गर्म करते हैं, ठीक है, 1535 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम किसी मेटल को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, द्रव की अवस्था में आता है, ये सारी बात लिखवाई थी मैं, ठीक है भाई। लास्ट मेरे पास है मेटल हैव हाई डेंसिटी, मतलब ज़्यादा ज़्यादा ही डेंसिटी वाला होता है वो, फिर और है सोनोरस है, ठीक, उसके बाद जो इसका कलर है वो ज़्यादातर मेरे पास सिल्वर या फिर ग्रे कलर का होता है। अगली हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, सुनो भाई क्या है मेरे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, तुम पढ़ो अपना, सुनो भाई मेरे पास है सबसे पहला, मेरे पास नॉन मेटल आर नीदर मेलेबल और नॉर डक्टाइल, पहला पॉइंट मेरे पास क्या भाई, जो मेरे पास नॉन मेटल आर नीदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, हाँ भाई
मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास नॉन मेटल है ना तो मैलेबल होते हैं और ना ही डक्टाइल है। क्या होता है मैलेबल और डक्टाइल का मतलब, मैं नॉर्मल सी बात बोलाऊँ कि जो नॉन मेटल होते हैं। अच्छा भाई हिंदी के नोट्स मिलते हैं, ठीक हिंदी के ना प्रिंटेड वाले नोट्स मिल जाते हैं। तुमने मैसेज किया था, चुप रहो एक मिनट सुनो भाई। मैंने क्या बोला कि नॉन मेटल मेरे पास क्या है, वो नीदर मैलेबल है नॉन डक्टाइल। इसका मतलब है भाई, मैलेबल का मतलब होता है कि जिसको हम देखो, पहले तो मैं मैलेबल का मतलब बता रहा हूँ, जिसको पीट पीट के पतली सी चादर में बदला जा सके, ठीक है। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊँ, कभी किसी ने ऐसी मिठाई खाई जिसके ऊपर चांदी की परत चढ़ी होती है? खा रखी है ना, मेरे हिसाब से आज के बाद नहीं खाओ, बताता हूँ क्या होता है। सुनो, जो चांदी की जो परत होती है ना, ठीक, वो कैसे बनती है, पतला सा चांदी का टुकड़ा लिया जाता है, ठीक है, उसको जो भेड़ होगा ना, भेड़ उनकी जो खाल होती है उनके बीच में रखा जाता है, फिर उसको ना हथौड़े से पीट पीट के उसके बाद पूरे में फैलाया जाता है चमड़े की खाल में डाल के। वो कह रहा फिर ठीक है मैं नॉनवेज खा लेता हूँ। सुनो, हाँ भाई पहले वाली बात पहले, मैलेबल का मतलब क्या है पता लगना, मैलेबल क्या है मेरे पास, ठीक है। लेकिन जो नॉन मेटल है, सुन जाओ, जो नॉन मेटल है वो मेरे पास मैलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। उसको अगर हम पीटेंगे ना टूट जाती है, ठीक। मान लो तुम कोई सी ना प्लास्टिक की सीट ले लो, या फिर कोई सा मान लो तुम ना लकड़ी का टुकड़ा ले लो, उसे पीटना शुरू करो, ठीक है, तो पीटते पीटते भाई टूट जाएगी लेकिन चादर में बदलेगी नहीं वो। बस मैं मान लो मेरे पास मार्कर है, अगर मैं इसको पीटना शुरू करूँ तो ये चादर में थोड़ी ना बदलेगी, टूट के अलग हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। लेकिन अगर इसी के बदले कोई लोहे की रॉड होती ना, मैं उसको पीटता तो धीरे धीरे में वो चादर में कन्वर्ट होती है, ठीक है। सुनो भाई, नेक्स्ट जो मेरे पास है, अच्छा भाई इसको बोल सकते हैं नॉन मेटल आर ब्रिटल, इसके आगे लिख लो एंड नॉन मेटल आर ब्रिटल। भाई इसका मतलब इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, मतलब कि मेरे पास ब्रिटल का मतलब क्या है, इजीली ब्रेकेबल बोल सकते हैं, इजीली ब्रेक, ठीक है भाई, हम इसको आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब मैं तुम्हें इसके कुछ कुछ बातें बता दे रहा हूँ, जैसे मैं एक नॉर्मल सी बात बोलूँ, मैं किसी नॉन मेटल को लूँ और उसको पीटना शुरू करूँ, कोई सा मैंने नॉन मेटल लिया उसको पीटूँ, ठीक है, तो वो अपने आप ही चादर में बदलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब मैं तुम्हें अगली बात बता रहा हूँ, जो मेरे पास है नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास है नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। भाई क्या है इसका मतलब, जो मेरे पास नॉन मेटल होते हैं ना तो उसमें हीट पास होती है ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। मैं तुमसे बोल दूं, ये प्लास्टिक की चीज ली मैंने, अगर मैं इसको इस साइड सिर्फ यहाँ से गर्म करूँगा ना, ये सिर्फ यहीं से गर्म रहेगी, यानी कि आगे बढ़ जाएगी, ये यहीं की यहीं गर्म रहती है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो तुम्हारे घर में क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी क्या बताऊँ, वो कैसे नहीं जाती पास, बता रहा हूँ। सुनो भाई देखो, जैसे मैं तुमसे एक छोटी सी बात बोल दूँ, जैसे मैंने बोला, देखो मैं तुम्हें एक ना नॉर्मल सी बात बोलता हूँ कि सुनो भाई, मैंने क्या बोला कि अगर भाई तुमने प्लास देखा है घर में, तो प्लास में वो जो रबड़ बैंड लगी होती है ना, वो क्या है, मेटल है नॉन मेटल है, नॉन मेटल है वो, रबड़ है तो नॉन मेटल, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो वो रबड़ क्यों लगी हुई है, उस रबड़ के पीछे वही रीज़न है कि भाई उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। फिर सुनो भाई, उसके बाद मेरे पास अगला है कुछ, इसमें एक बात बता रहा हूँ, कार्बन बताओ मेरे पास, जो कार्बन है वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है भाई, कार्बन मेरे पास नॉन मेटल, थोड़ा याद कर लिया करो भाई। सुनो मैंने क्या बोला, जो मेरे पास कार्बन है वो नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी मैंने क्या बोला भाई, जो कार्बन है वो कार्बन मेरे पास नॉन मेटल है, लेकिन
वो आराम से बिजली कंडक्ट करता है। ठीक है, एक तो मैं एक्सेप्शंस लिखनी है, जो मेरे पास क्या कि कार्बन है, कार्बन मेरे पास एक नॉन मेटल है बट इट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, सुनो, इसके अंदर लिख लेना, कार्बन इज नॉन मेटल, इसके नंबर वो डालना एक्सेप्शंस, एक्सेप्ट कार्बन दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, कार्बन मेरे पास एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसका मतलब क्या है, कार्बन एक मेरे पास ये मान लो एक ऐसा अधातु है जो बिजली का सुचालक होता है। ठीक है, फिर सुनो भाई, नेक्स्ट मेरे पास है, अच्छा इसका मैंने तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, कौन सा, अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें बताया ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट पता क्या होता है, बैटरी के अंदर जो यूज़ वगैरह किया था ना उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। ठीक है, मेरे पास जो बिजली के जो बैटरी है उसके अंदर जो चीज़ यूज़ की जाती है उसे ग्रेफाइट बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ है। ठीक है, सुनो भाई, नेक्स्ट मेरे पास है नॉन मेटल आर लस्टर है। ठीक है, मतलब कि ये मेरे पास साइनी नहीं होते। सुनो, थर्ड पॉइंट जो मेरे पास है, नॉन मेटल आर, भाई एक मिनट सुनो, तुम्हें तीन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, मैलेबल, डक्टाइल, लस्टर्स, ठीक है, और ब्राइटल, ये तीन चार कुछ ऐसे वर्ड हैं तुम्हें जिनका मतलब पता होना चाहिए। एक वर्ड और है मेरे पास, हाँ भाई एक वर्ड तुम्हारे पास है, जर्नली, पता ना इसका क्या होता है, जर्नली पता किसी को, मैक्सिमम बोल सकते हैं ज़्यादातर। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखे चला करो, सुनो, हाँ भाई मैंने क्या बोला, जो मेरे पास है नॉन मेटल आर लस्टर है, इसका मतलब क्या है, एक मिनट, आर नॉट लस्टर, नॉट लस्टर मतलब कि नॉट साइनी। ठीक है, इन बातों में दिक्कत है किसी को, हाँ भाई, अब लेकिन एक अगली बात बताऊँ, मेरे पास क्या है कि आयोडीन, जो मेरे पास मैंने कहा कि जो अधातु होते हैं वो चमकदार नहीं होते। ठीक है, लेकिन एक नॉन मेटल को छोड़ के, ठीक है, उस नॉन मेटल का नाम क्या है, आयोडीन है। ठीक, जो आयोडीन मेरे पास एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि नॉन मेटल होते हुए चमकता है। नमक को चमकते हुए देखा है किसी ने, नमक तो चमकती है ना भाई, नहीं चमकती, धूप में लेकर चमकेगी चमकती नहीं, वो नॉर्मल सी बात है। सुनो, वैसे नमक के अंदर आयोडीन होता है तो बहुत ही कम चमकती है, अगर तुम एक्चुअल का एक आयोडीन का टुकड़ा ले आओगे ना वो चमकती है। ठीक है, सुनो, एक्सेप्ट आयोडाइन विच इज साइनी। ठीक है भाई, किसको छोड़ के, आयोडीन को छोड़ के, जो मेरे पास साइनी है। नेक्स्ट मेरे पास है भाई नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट, भाई मेरे पास क्या है कि नॉन मेटल जो है ना वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, जनरली का मतलब क्या, ज़्यादातर नॉन मेटल ज़्यादातर सॉफ्ट होते हैं। ठीक, लेकिन एक को छोड़ के, डायमंड, डायमंड मेरे पास नॉन मेटल है लेकिन वो सॉफ्ट नहीं है भाई, ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सबस्टांस है। ठीक, अगर तुम ये मान के चलो इतना बड़ा अगर तुम हीरा ले आओ ना और उस पर 100-100 किलो के हथौड़े मारो, हथौड़ा टूटेगा लेकिन हीरा नहीं टूटेगा, ऐसा होता है। ठीक है, सुनो, नॉन मेटल आर, कौन सा पॉइंट था भाई, बीच का एक पॉइंट मिस हो गया, नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट। ठीक, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट डायमंड। ठीक है,
भाई डायमंड को छोड़ के जो जितने भी नॉन मेटल हैं वो सारे के सारे क्या मेरे पास सॉफ्ट होते हैं। और उसके बाद अगला मेरे पास है नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग। भाई जो नॉन मेटल है वो मेरे पास स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। अगली चीज नॉन मेटल मे बी सॉलिड लिक्विड और गैस। भाई जो मेरे पास नॉन मेटल है वो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। मैं तुम्हें इसके ना कुछ कुछ एग्जांपल लिखवा रहा हूँ, जैसे कार्बन सल्फर एंड फास्फोरस, ठीक है, सॉलिड का नाम लिखवा रहा हूँ कुछ कुछ, कार्बन सल्फर सल्फर और क्या भाई फास्फोरस, भाई ये तीन मेरे पास है कि सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। और नेक्स्ट मेरे पास जो है लिक्विड की फॉर्म में ब्रोमाइन होते हैं। और जो गैस की फॉर्म में हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। भाई नेक्स्ट चीज मेरे पास है नॉन मेटल हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ भाई सुनो, मैंने बोला कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, पहली बात समझते हैं। नॉन मेटल हैव कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली का मतलब है इसको किसी और से कंपेयर किया जाए तो, ठीक है, तो सबसे कम जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं किसके होते हैं, वो मेटल के होते हैं। जैसे मान लो सबसे जल्दी क्या पिघलती है, प्लास्टिक या लोहा, प्लास्टिक पिघलती है। अब बताओ पन्नी जल्दी पिघलेगी, देखो पन्नी जल्दी पिघलती है या फिर मान लो कोई सा मेटल या सोने चांदी की चीज़ है, पन्नी जल्दी पिघलेगी ना। तो भाई मेरे पास क्या चीज़ें होती हैं, मैंने बोला कि जो मेरे पास जो भी नॉन मेटल हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि बहुत ही जल्दी ये मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है और बहुत जल्दी ये वेपर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो तुमने एक कोई सी प्लास्टिक की चीज़ को जलाओ वो बहुत जल्दी सिकुड़ के ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। एक चीज़ को छोड़ के, किसको छोड़ के पता किसी को, हाँ बोल, हाँ भाई तुम दिनों में पता किसी को, मैंने मॉर्निंग में ही बताया था सल्फर। अच्छा जी सुनो भाई, मेरे पास जो डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है, सुनो एक्सेप्ट, यहाँ लिख लो एक्सेप्ट डायमंड, भाई डायमंड को छोड़ के जिसका जो मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट है 3500 डिग्री सेल्सियस है। भाई सोच लो मेटल कितना था, 1535 था ना, मेटल था 1535 डिग्री सेल्सियस
याद है, जो मेटल है उसका जो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो था 1535 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो मेरे पास डायमंड है भाई, डायमंड का मेरे पास 3500 डिग्री सेल्सियस, सोच लो कितना ज़्यादा है उससे भी। अगर हम मेटल को 3500 डिग्री सेल्सियस पे, 3500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे अगर उसको गर्म करते हैं ना, उसके बाद जाके पिघलेगा वो, अब सोच लो कितना होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट भाई, एक बार ना घर से ना सन जो है ना उसका टेम्परेचर पता लगा के लाना गूगल से, तो वहाँ पहुँचना नहीं है तुम्हें, चौक करा हो देखो। सुनो, अगला मेरे पास है, नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी, नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी, भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो जाता है कि मेरे पास लाइट वेट सब्सटेंस है, मतलब बहुत ही हल्के सब्सटेंस होते हैं। इट इज लाइट वेट सब्सटेंस, ठीक है, कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को? फिर आ जाओ अगले पे। भाई जो मेरे पास नौवा है, नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस, पता है इसका मतलब है जो नॉन मेटल है वो ज़्यादातर साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें लिख लेना कि इट इज नॉन नॉन सोनोरस। और भाई नॉन मेटल के अलग अलग कलर हो सकते हैं, नॉन मेटल में हैव डिफरेंट कलर, बस के कुछ कुछ ना ये मान लो एक्सेप्शंस है। ठीक, इसको वैसे बताना बनता है लेकिन समझो। सुनो भाई, एक ना नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है, एक्सेप्शंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक, इसको नेक्स्ट क्लास में करा पाऊँ मैं। ठीक है।